आती है ना थोड़ी सी वीडियो बनाने के सच में। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है, ठीक ठाक है आप लोग? ओके अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। आज जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब, लेकिन ये चिकन का कीमा है, ठीक है, चिकन के कीमे के बना रही हूँ मैं। और ये इस तरीके से यहाँ पे जो है ना कीमा फ्रेश इस तरह मिलता है ट्रे के अंदर, ये आधा किलो की ट्रे होती है। और उसको फिर मैंने ये सारा एक साथ निकाला है यहाँ पे, और ये 2 किलो है चिकन का कीमा। उसके अंदर जो जो मैं मसाला डाल रही हूँ वो आपको बताती जाती हूँ। इसको जो है मैं मिक्स करके मैरिनेट करके रखूँगी अभी, और फिर शाम में बनाऊँगी मैं। इसके अंदर जो है ये 3 टेबल स्पून जो है ये लहसुन का पेस्ट जाएगा, तीन कम रहेंगे, 4 डालेंगे, बहुत ही वो जाते हैं, लगता है लहसुन जाते हैं ऐसे, मुझे पता है ना। ये गोश्त है, 2 kg से ऊपर कीमा गोश्त नहीं है, ये स्पून जो है ना इसमें अदरक का पेस्ट जाएगा, और तकरीबन जो है ये एक दरमियानी प्याज है उसको जो है ना ये चॉप कर लिया है, तो ये जो है इसके अंदर ले जाएगी। पानी तो नहीं निकाला, पानी में नीचे ऊपर ऊपर से दे रही, पानी नीचे है। ज़्यादा है बल्कि ये 2 ही प्याज हैं, मैं इसमें से तकरीबन 1 प्याज डाल दूँ चौक करके चौकी से। और ये 4 टेबल स्पून जो है ना ये ज़ीरा है, इसको कुछ भी नहीं करा मैंने, मोटा मोटा बस जो है ना इसे चॉप कर लिया उसके अंदर उसमें ब्लेंडर में, बस ये है 4 टेबल स्पून, ये है इसके अंदर 4 टेबल स्पून जो है ये पिसा धनिया है, वो भी थोड़ा हल्का हल्का सा दरदरा सा है, यानी दरदरा से ही डालनी है चीज़ें। और ये 4 टेबल स्पून जो है ये कुटी मिर्चें हैं, क्योंकि हरी मिर्चें भी जाएंगी, गरम मसाला भी जाएगा, वो भी बताते हैं, हम भी हैं घर में। ये जो है 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, 2 टेबल स्पून जो है ये वो है सॉल्ट है, ये जाएगा। और ये तकरीबन जो है 5-6 हरी मिर्चें हैं, क्योंकि कभी तेज़ निकलती हैं कभी जो है हल्की होती हैं, ये तकरीबन 5-6 हरी मिर्चें हैं, मैंने चेक कर लूँगी, अगर कम होंगी तो फिर कुटी हुई मिर्ची और डाल। 1 बंच हरा धनिया का है ये, तो मैंने बारीक बारीक काट लिया, और 1 बंच ये पुदीन 4-5 तकरीबन जो है ना टेबल स्पून लेमन जूस जाएगा। अब इसको मिक्स करती हूँ मैं, फिर मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। सारा मसाला मिक्स करके रख दिया है, और ये जो है शाम तक इसी तरह इस मसाला जो है अंदर तक पूरा टेस्ट पूरा डिवेलप हो जाएगा ये, और फिर मैं इसे जो है ना इसे फ्राई करूँगी कोयले की धुई भी तो देंगे। हाँ इसमें, हाँ कोयले की, फिर इसके अंदर जो है ना मैं कोयले की धुनी देती हूँ, थोड़ा उसका अरोमा भी आएगा इसके अंदर। और ये पता है आप लोगों को कि सुपरमार्केट में इस तरह मैरिनेट हुआ हुआ सारा मिलता है, यहाँ पे रेडीमेड भी मिलता है इस तरीके से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। अब घर में बना रहे हैं तो घर में तो इतना ज़्यादा नहीं, बस ये है कि ये कीमा हम लोगों ने जो है परचेज़ करके चिकन का,
इस तरीके से। और फिर इसको जो है घर के मसाले के अंदर सारा मैरिनेट कर रहा है। तकरीबन जो है बाज़ार के अंदर जो है सुपर मार्केटों में तैयार रखे होते हैं वो 30-35 रियाल के, मेरा ख्याल से 400 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम के पैकेट बने हुए ऐसे रखे होते हैं। बनेगा तो किस किस में? एयर फ्रायर में? एयर फ्राई में नहीं बनाऊंगी, उसमें बनाऊंगी। ऑप्शन तो बता, यानी कि उसमें एयर फ्राई में बना सकते हैं, लेकिन ये है कि नॉन स्टिक पैन में बनाऊंगी। लेकिन बारबेक्यू भी हो सकता है ना? हाँ, बारबेक्यू भी हो सकता है, सीखों के ऊपर भी बना सकते हैं इसको, और शामी कबाब के शेप में भी बना सकते हैं। वैसे भी इसे गोल छोटे छोटे, यानी कि अगर आपने बनाने फिंगर स्टाइल में वो भी बन सकते हैं, और अगर आपके पास स्टिकें हैं तो स्टिक पे भी चढ़ा के बना सकते हैं आप, फ्राई पैन के अंदर या ओवन में, या एयर फ्रायर ग्रिल है ग्रिल के ऊपर बना लें आप, एयर फ्राई में बना लें आप इसे। यानी ये वो होंगे, यानी शेलो फ्राई होंगे, डीप फ्राई नहीं होते हैं ये। तो ये मैं बना के भी आपको दिखाऊंगी, और ये अब तैयार हो गया। अब इसे मैं रख रही हूँ फ्रिज के अंदर, तकरीबन 7-8 घंटे ये रखा रहेगा। ये देखें, जो मैंने मैरिनेट करके सुबह रखा था, ठीक है। अब इसको जो है ना मैं मिक्स करके अच्छी तरीके से, और इसके अंदर मैंने जो है ना कोयले की भी धुनी दी थी इसके अंदर ही, उसका फ्लेवर भी आ गया है। अब इसको जब मैं मिक्स करके जो है इसके कच्चे इसको जो है ना मैं वो करूँगी, अब मिक्स करके फ्राई करूँगी इसे, तो फिर आपको दिखाती हूँ। और ये तैयार है, बस ये समझ लें फ्राई करने, फ्राई करके आप इसको जो है उसके साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ, उसके साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। और अगर बच्चों को देना चाहें आप टिफ़िन में, रोज़ मदर्स को यही मसला होता है कि बच्चों को टिफ़िन में क्या दें, तो इस तरीके से बना के रेडीमेड पैकेट के जो कीमे आते हैं उसको भी यूज़ कर लें, यहाँ जो मिलते हैं सऊदीया में, और उसके अंदर जो है इसके कबाब बना के इस तरीके से फ्रीज़र कर लें। यह मैं फ्रीज़र करूँगी, ये हमारे कभी नाश्ते में, या कभी जैसे दाल वाल बनी उसके साथ निकाल लिए, या सैंडविचे पे लिए बच्चों को चाहिए होते तो उसको उसमें कर लेते हैं हम लोग इसको यूज़, इस तरह खाते हैं। और इसको जो है ना करके, और उसमें बना के बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह बच्चों को देने के लिए मसला होता है, और जल्दी से बन जाते हैं, इतना टाइम भी नहीं लगता, फ्राई भी जल्दी से हो जाते हैं फटाफट के। एयर फ्रायर में बना लें, नहीं फ्राई करें? हाँ, नहीं फ्राई करें, एयर फ्रायर में रख दें, आजकल तो वो यूज़ कर रहे हैं सब लोग अपने घरों में। एयर फ्राई नहीं करना, ओवन में भी बेक हो जाएंगे। हाँ, टोस्टर में, ओवन में बेक हो जाएगा। अच्छा, चिकन का कीमा जल्दी से हो जाता है इसे तो। हाँ, गलाने की भी नहीं है इसमें, मैंने गलाने के लिए, टेंडराइज करने के लिए भी कुछ नहीं डाला। अक्सर लोग अलकबीर का चिकन का कीमा यूज करते हैं तो उसके भी बन जाएंगे, लेकिन पानी नहीं होना चाहिए। हाँ, उसका पानी निकाल दें, अक्सर फ्रीजर के कीमे जब लूज करते हैं ना तो उसके अंदर सारा उसका जो है पानी निकलता है, तो पानी निकाल दें उसका, पहला पानी निकाल के पहले फिर उसके अंदर सारा मसाला डालें तो फिर सही रहते हैं, टाइट रहते हैं ये बनाने में। इसमें इसका तो बेसन डाला, कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला मैंने। और ये देखें, इसका पानी तक नहीं है, ये भी अभी मैंने आपके सामने ही मिक्स करा है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये फ्रेश कीमा था जो सुपर मार्केटों में ट्रे में, मैंने ट्रे भी दिखाई थी उसका, मैंने ऊपर से तो वो लेबल हटा दिया था, तो उसके अंदर जो है हम चिकन यूज़ करते हैं, हाँ, जो चिकन में यूज़ करती हूँ उसी कंपनी का ये कीमा है। तो ये जो है मैं इसी तरह फ्रेश कीमा है, इसको जो है मैं यानी कि बस मैंने उसमें डाल के, और धोते भी नहीं है, और कीमा तो मेरे ख्याल से धोना भी नहीं चाहिए, सारा तो उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है धो के, हम नहीं धोते कीमा, हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं कीमा, अगर कोई जर्स होते हुए तो पकने में फिर ख़त्म हो जाते हैं उसके कुकिंग में जाके। फिर इसके दरवाजे खोले में तुम खुद बता दो, कमी आती है किसी चीज़ की, लेने क्या जाओ, क्या क्या लिया आते हमें खुद नहीं पता होता, अरे ये भी हो गया, ये भी ले लिया, एक और आ जाएगा, थोड़ा सा स्पून लेके रखा गया, अच्छे व्लॉग भी होते जी मम्मा। हाँ, ये मैंने जो है ना इसमें बना के डाल दिया, और जो मैंने फ्राई के लिए ऑयल डाला है ना, ये देखें कितना कम ऑयल, बस ये इसी में जो है ना ये फ्राई हो जाएंगे दोनों साइडों से, ये गोल्डन हो जाएंगे और ये तैयार हो जाएंगे, तकरीबन ये 5-6 मिनट में तैयार हो जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। हो गए, ठीक है, ये मैंने जो है ना प्लेटर में निकाल दिए हैं, और इसके साथ जो है आप ये मैंने बनाया है इमली की ये चटनी है, नहीं है, पुदीने की, हाँ पुदीने की चटनी है, इसके अंदर पुदीना,
हरा धनिया, हरी मिर्चें, लाल साबुत मिर्चें, ज़ीरा, नमक, लहसुन और इमली, ये सब डाल के मैंने पीसी है इसे। ये यानी कि थोड़ा इसका मैंने जो है दूसरी साइड पे जो ये जो है इसका दही का, ये मैंने जो है लौकी होती है ना जो हम लोग अपने वेजिटेबल में, उसको मैंने कद्दूकश करके बॉईल करा, बॉईल करके जो है मैंने इसको दही में डाल के और इसके अंदर ज़ीरा और लाल साबुत मिर्चें भून के रोस्ट करके उसे फिर पीस के थोड़ा डाल के ये रायता बनाया इसके साथ मैंने। और ये माइनस, और ये आप इसकी साथ ले सकते हैं, अच्छा केचप है, माइनस है और पूरी वगैरह जो कुछ आ माइनस है, और हॉट चिली सॉस है, और ये केचप, और बाकी ये ड्रेसिंग जो होती है ये है सर, सलाद ड्रेसिंग जो होती है ये, इसकी डिपिंग बनती है जो मैंने नहीं बनाई अभी तो बहरहाल ये इसके साथ जो है खा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा ये जल्दी बन जाते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, और इस तरह की रेसिपी से बनाएंगे जैसे मैंने बनाई है इस रेसिपी से, तो इंशाल्लाह आपके भी इतने ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे और आपको भी पसंद आएंगे, और पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और जो है कमेंट में बताइए कि कैसे बने हैं। बाकी अब खाने हैं तो भी इसका इस तरीके से आप सैंडविच तैयार कर लें इसको बर्गर के अंदर, इसमें बन में मम्मा बन में बन में सैंडविच बन जाएगा इसका, कैसे बर्गर का सैंडविच होता है। टमाटो ये सैंडविच तैयार हो गया। ड्रिंक के बारे में तो बता दे। और जो है इसके साथ जो है हम लोगों ने अभी ये बनाई है क्योंकि ये नाश्ते में ले रहे हैं अभी हम, और पुदीने वाली ये जो है लबन है, मिंट लबन, मम्मा यानी मिंट लबन है इसके अंदर, यानी कि लबन है, मिंट है और शुगर डाली है और थोड़ा जो है ना कोल्ड वाटर है, तो इसको जो है ब्लेंडर में मैंने जो है ब्लेंड करा है और ये मिंट लबन तैयार हो गई है। तो ये चिकन के उसके साथ हम लोग खास तौर पर बनाते हैं ये, नहीं ये रोज़ और बनती ये रोज़ बनती है सैंडविच के साथ सुबह नाश्ते में हमारी यहाँ, लेकिन चिकन के साथ स्पेशली इसलिए है कि चिकन आपको पता है कुछ भी हो गर्म तो करते हो। अच्छा ना, अभी अभी क्या करना, बस हो गया ना हमारी, बस कर दो एंडिंग तो दे दे, बस एंडिंग यहाँ की, अल्लाह हाफिज़ तो कर दे। जी ये आपको पसंद आया होगा जो है हमारा ब्रेकफास्ट भी है ये, और इसको हम जो है डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं, लंच में है सबसे बेस्ट रहता है। और ये बन गए, तैयार हो गया हमारा ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया, सैंडविच इस तरीके से बना लिए हैं और उसके साथ मिंट लबन है ये आप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को प्लीज़, और कॉमेंट्स में बताएँ कि कैसे लगे आपको ये कच्चे कीमे के कबाब मेरे की रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।